released on 4th of October 2023. So I do not understand कि मेरा साथ में ऐसा treatment क्यों हो रहा है. Total amount was 10 lakhs. और उसमें से ये बोला गया था कि 30% will be taken by the Miss Arunachal organization. बोला था कि हमको book shelf donate करेगा, but वो भी donate नहीं किया. But other than that, हमको उनसे आज तक कुछ किसी भी तरह का help नहीं मिला, except for sharing my work on social media. This opportunity to tell about my side of the story, and I'm very distressed and डिस्टर्ब ऑल्सो. अभी तक जो होते आया है एक दो दिन में उसको लेके आई एम वेरी मच डिस्टर्ब, बट स्टिल आई एम हियर. एंड मेरा कभी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि आई वुड गो अगेंस्ट मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं रह गया. इट इज़ द मैटर ऑफ माई ऑनर नाउ, सो आई हैड टू कम फॉरवर्ड. आई फील दैट कि मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन is very smartly directing this issue on me and Tadu Lunia, the reigning Miss Arunachal 2024. अपना accountability नहीं लेके, they are not taking accountability of their actions. और ये attention को मेरा ऊपर और Tadu Lunia का ऊपर में लेके आ रहा है, and trying to orchestrate hate between us and also our supporters. They never understood my grievances, कि मेरा दुख exactly क्या था. वो लोग कभी समझ नहीं पाया. I never said कि One for Education को Miss Arunachal Organization या फिर Tadu Lunia उसको initiate किया है. I never said that. I never said One for Education उन्होंने initiate किया. But what I wanted to say and what I said was कि जो cause है school renovation का amongst the Miss Arunachal, I was the one who initiated it. उसको शुरू हम किया था, ये हम बोलना चाहता था. एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर कोई भी कंटेस्टेंट, पेजेंट विनर या फिर जनरल पब्लिक से भी अगर कोई ये कॉज को आगे लेके जाएगा, तो आई विल बी वेरी हैप्पी. आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनीवन. लेकिन सिंस वी आर ऑल अंडर द सेम अम्ब्रेला, इट विल डेफिनेटली क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्यूजन. दैट्स वाई I wanted to clarify this. Now, One for Education ka naam ko bar bar le leke, they are trying to take advantage of the grey area and wordplay the situation. Some might also say ki I should have waited ki national pageant, Miss reigning Miss Arunachal, Femina Miss India Arunachal Pradesh जो reigning है उनका pageant ख़त्म होने के बाद में हमको ये issue को लेके आना चाहिए था. अभी उसको थोड़ा hamper हो रहा है, ये भी एक पॉइंट है. बट तब जब बाद में वो जो ये इशू को वो विन जीतने का बाद में अगर ये इशू को हम लेके आने से, फिर हमको ये बोलना था कि जब शुरुआत में ये हो रहा था तो आप कहा था, तब क्यों नहीं ये बात को आगे लेके आया. एंड द सिचुएशन हैव गॉटन वर्स देन, रिपरकशंस उसका कुछ ज़्यादा ही होना था. और जो फोटो शेयर को लेके जो बहुत लोग बोल रहा है, जो पोस्ट था दैट वाज ऑलरेडी सर्कुलेटिंग इन मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइज इन मिस अरुणाचल्स ऑफिशियल पेज, मिस अरुणाचल का ऑफिशियल पेज में जो सरफेस हो रहा था, आई सिंपली शेयर दैट पोस्ट. क्योंकि वो पोस्ट में कैप्शन लिखा था कि इनिशिएट किया गया है स्कूल रेनोवेशन का प्रोजेक्ट, ये सबको लिखा गया था, इसलिए हम उसको आगे जाके शेयर किए. एंड अनफॉर्चुनेटली उसमें मिस Tadu Lunia का फोटो भी आ गया था, बट इट वॉज ऑलरेडी सर्कुलेटिंग, सो आई हैड टू शेयर दैट. एंड साथ में ऑब्वियसली कैप्शन को अकेला नहीं कर सकता है शेयर, आई हैड टू शेयर द वीडियो ऑल्सो. एंड मे बी माई अप्रोच वॉज अनकॉल्ड फॉर, एंड द ओनली पर्सन देर आई एम अपोलोजेटिक टू इस मिस Tadu Lunia, क्योंकि वो मेरा और ऑर्गेनाइजेशन का बीच में जो इशू है उसका बीच में उसको सफ़र करना पड़ रहा है. शी इज़ द कोलैटरल डैमेज. आई रिस्पेक्ट हर एंड आई एडमायर हर. एंड इनफैक्ट जब वो मिस अरुणाचल जीता था, तब समय आई वॉज वन ऑफ द जजेस. आई रियली रिस्पेक्ट हर एंड आई एडमायर हर हार्ड वर्क एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग पेजेंट. आई हैव नो ग्रजेस अगेंस्ट हर. बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप लोग सब जानो कि
ये जो रूट कॉज है, रूट कॉज और जो मेंटल टॉर्मेंट से हम जो इतना महीना से गुजर रहा था, उसका रीज़न क्या है। एंड आई ट्राइड टू सॉर्ट दिस आउट विद इन आर सेल्फ, हम आराम से सॉर्ट आउट करने का कोशिश किया था। कैन आई टेक ए ब्रेक? इट्स ओके, इट्स वेरी डिस्ट्रैक्टिंग दो। सो आई ट्राइड टू सॉर्ट दिस आउट हमारा बीच में ही, मेरा पास लेकिन अभी कुछ ऑप्शन नहीं ले गया, क्योंकि ऑनलाइन में भी हर जगह में भी मेरा ऊपर में, मेरा कैरेक्टर का ऊपर में सवाल आ रहा है। आई हैड नो अदर ऑप्शन। मिस अरुणाचल प्लेटफॉर्म ने हमको बनाया है। आई एम वेयर आई एम इट्स बिकॉज ऑफ मिस अरुणाचल प्लेटफॉर्म, बट टुडे आई एम हियर टू प्रोटेक्ट माय ऑनर। एंड आई वांट टू टेल एवरीवन कि अभी इसका बाद में अभी हम जो नेक्स्ट पॉइंट्स बोलने जा रहा है, उसको प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आई वॉज क्राउंड एज मिस अरुणाचल 2021, एंड आफ्टर दैट मेरा एक ईयर, मेरा रेन एंड होने का बाद में आई पार्टिसिपेटेड इन फेमिना मिस इंडिया 2022। फेमिना मिस इंडिया 2022 में जाने से पहले हमको मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन ये बोला था कि वहाँ में जो भी एक्सपेंसेस होगा, क्योंकि हमारा एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज वी हैव टू गो टू मुंबई, और मिस इंडिया वहाँ से हम लोग को एक बहुत लॉन्ग लिस्ट ऑफ आइटम्स मिलते हैं जिसको हम लोग को वहाँ पे लेके आना होता है। सो फाइनेंशियल बर्डन जो बहुत ज़्यादा था मेरा ऊपर में, तो हमको ऐसा बोला है कि अभी आप अपना खुद से इसको हैंडल कर लो, और बाद में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स का तरफ से आपको वो इंसेंटिव बाद में वापस मिल जाएगा, हमको ये बोला गया था। सो विच आई एग्रीड टू, एंड ये भी बोला गया था कि 10 लैक्स ऑफ इंसेंटिव जो आएगा उसमें से 30% ऑर्गेनाइजेशन जो कट कर लेगा, दैट टू आई एग्रीड। एंड दिस इज़ नॉट पेमेंट, दिस इज़ एन इंसेंटिव आई वॉन्ट टू स्ट्रेस। व्हेन आई वॉज वर्किंग एज द रेनिंग मिस अरुणाचल, बहुत सारा प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट, मेचुका एडवेंचर स्पोर्ट प्रोग्राम, एयरगन सरेंडर, सांगो होंडा प्रोमोशनल इवेंट। Till date, I have not received any payment and I did not take this further, क्योंकि हमको लगा था कि ये मेरा responsibility है as a reigning Miss Arunachal, so I should not stress it too much. But अभी हम जो बोल रहा है incentive का बारे में, this is like a reimbursement. मेरा family, अच्छा family से हम belong करते हैं, इसलिए मेरा family members, मेरे relatives हमको पैसा जमा करके हमको फेमिना मिस इंडिया के लिए आके भेज पाए। बट अगर ये कोई इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से होने के लिए, आप खुद ही सोचिए कि वो आज कौन सा पोजीशन में होना था। 4 अक्टूबर 2023 को मेरा सैंक्शन ऑर्डर रिलीज हो गया था, एंड रिलीज का जस्ट थोड़ा देर में आई कॉल्ड टाई रॉकेट सर एंड आई आस्क्ड हिम कि आप लोग मेरा इंसेंटिव कब हमको ट्रांसफ़र कर देगा मेरे अकाउंट में, सिंस ये बहुत बड़ा अमाउंट है गवर्नमेंट का, ये जो डायरेक्टली मेरा पर्सनल अकाउंट में नहीं आ सकता है, दिस हैज़ टू कम टू एन एनजीओस अकाउंट फर्स्ट, तो वहाँ से कब मेरा अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। देन ही सेड कि आपका मंडे तक हो जाएगा, क्योंकि अभी वीकेंड है, आई सबमिट टू यू बाय वीकेंड मंडे, हमको ये बोला गया था। एंड हमको ये भी बोला था कि 30% वो लोग काट लेगा, एंड ऑल्सो 40,000 or 60,000 का जो अमाउंट है वो जो ऑफिस चार्ज में भी कट गया है। आई सेड कि सर जैसे भी हो, जस्ट मेरा जितना कट है आप उसको हमको दे दो, हम बस यही बोला था और कुछ नहीं बोला था। व्हेन मंडे केम आई आस्क्ड हिम सर क्या मेरा ट्रांजैक्शन हो गया, तो उन्होंने बोला कि अभी वो और चेयरमैन किपा निभा सर, टाई रॉकेट सर एंड किपा निभा सर ने दोनों पैसा को यूज़ कर लिया है, आपको फेबरी नहीं तो मार्च में उसको दे देगा। टू विच आई ऑल्सो अग्रीड कि आई वेट फॉर सम टाइम। उसके बाद में जब फेबरी मार्च आ गया, देन दे सेड कि अभी इलेक्शन का टाइम आ गया है, अभी तुमको नहीं दे पाएगा, इलेक्शन का बाद में विल श्योरली गिव इट टू यू। दैट ऑल्सो आई एक्सेप्टेड। इलेक्शन का बाद में ये चीज़ का बारे में हम फिर से उनको पूछा है, तो धीरे धीरे वो लोग करके मेरा फोन्स नहीं उठाया, मेरा मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया, एंड एक दो बार जब कॉल उठाया था कॉल बैक करेगा बोल के कभी नहीं किया। एंड जब हम ये इशू को ऑर्गेनाइजेशन का बीच में रेस करने के लिए करते हैं, तभी वो लोग मेरा ऊपर में भड़क जाते हैं कि हाउ कैन आई डू दिस,
ऑर्गेनाइजेशन में सबका सामने में कैसे ये कर सकते हैं बोल के, हमको ही मैनिपुलेट किया, हमको ही गैसलाइट किया कि हाउ कैन यू डू दिस, ऐसा कैसे कर? ये एक हाई पॉइंट में हर रोज़ उन लोग का रिप्लाई आता था. आई वॉज वेरी स्केर्ड कि आगे मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, हम समझ में नहीं आता. सो आई थॉट कि ये चीज़ को हम डिपार्टमेंट लेके जाएगा. सो ऑन 18 July 2024 आई वेंट टू कलेक्ट माई सेंक्शन ऑर्डर. October 4, 2023 को ऑलरेडी मेरा सेंक्शन रिलीज हो गया था, पैसा आ चुका था. बट 18 July 2024 को डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स जाके आई गॉट माई सेंक्शन ऑर्डर. और वहाँ में आई मेट द डायरेक्टर ऑफ यूथ अफेयर्स को भी मिला. एंड ही सेड कि आप लोग इसको, ही विल ऑल्सो ट्राई टू टेल देम कि जितना जल्दी हो सके उसको कर दो एंड शॉर्ट दिस इशू आउट. वो जितना जल्दी हो सकेगा बोला है. एज सून एज आई गॉट आउट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, हमको जो इंसान, जो लोग कभी मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मेरा मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया, हमको कॉल बैक नहीं किया, वो लोग का डायरेक्टली जैसे ही ऑफिस से निकला, आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम टाई रॉकेट सर, द MD ऑफ मिस अरुणाचल. ही सेड कि ही मैसेज में एक्चुअली 1 week में आपका इंसेंटिव आपको दे देगा. एंड किपा निवा सर, टू कोट हिम, ही सेड कि तेंगाम तुम डिपार्टमेंट में पहुंच गया, तुम इतना गिर गया. टू कोट हिम, दिस आर हिज वर्ड्स, हमको ऐसा बोला गया था. दे वर वेरी एंग्री कि हम जो चीज़ को डिपार्टमेंट में लेके गया, दे वर वेरी, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था. एंड दे न्यू कि जो स्कूल रेनोवेशन का इनिशिएटिव है, जो जिसको हम स्टार्ट किया था, वो मेरा दिल का बहुत क्लोज है. एंड आई वांटेड टू यूज़ ये इंसेंटिव फॉर माय प्रोजेक्ट, जो कि अभी तक भी 3rd स्कूल को लाइब्रेरी में कन्वर्ट करने का प्रोजेक्ट अभी तक भी पेंडिंग है मेरा, बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर माई इंसेंटिव. अभी तक पूरा नहीं कर पाए. दे वर वेल अवेयर कि इट वॉज क्लोज टू माई हार्ट एंड आई वॉज वेटिंग फॉर द इंसेंटिव. सो आई फील कि मे बी टू इंस्टिगेट मी वो लोग ऐसा पोस्ट डाला है. एंड दे न्यू कि आई विल रिएक्ट दिस वे, और मेरा तरफ से ऐसा रिएक्शन आ सकता है. सो एज एन एक्ट ऑफ रिवेंज, मेरा अंदर से ये रिएक्शन लेके आने के लिए उन लोग ने ऐसा किया है. एंड बट आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट दिस, क्योंकि ये कॉन्फिडेंट, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है. आई एम स्टिल गिविंग इट द बेनिफिट ऑफ डाउट. यस्टरडे क्या हुआ कि मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन, उसका जितना मेंबर्स है, मेरा रेसिडेंस में आया विदाउट एनी प्रायर नोटिस. और वो लोग 4-5 लोग आया एंड आई वॉज अलोन. मेरा घर पे कोई नहीं था, मेरा कोई फैमिली मेंबर नहीं था तब समय. आई वॉज अलोन. उन लोग 5-6 मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन से चेयरमैन किपा निभा, ताई रॉकेट सर डी MD, मायर टाइपोडिया, दुईर अतः एंड तोको मिजू, ये लोग 5 लोग मेरा घर आए. देन आई सेड कि हम आप लोगों को बात करने का अभी स्टेट में नहीं, बिकॉज आई वॉज फीलिंग थ्रेटन्ड. आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी इंटिमिडेटेड कि आई डिडंट नो कि, क्योंकि मेरा 3rd पार्टी विटनेस भी नहीं है, मेरा साथ में क्या हो सकता है, आई डिड नॉट नो एनीथिंग. बट टोको मिजू से मेरा अच्छा रिलेशन है. सो आई टोल्ड हर कि प्लीज़ इनको बोलिए कि आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू देम राइट नाउ, आई एम नॉट इन द स्टेट, आई एम फीलिंग वेरी इंटिमिडेटेड, वेरी थ्रेटन्ड, और मेरा कोई भी एल्डर्स नहीं घर पर, आप प्लीज़. बट दे स्टिल ट्राई टू परसुएट मी, बात करने के लिए हमको बहुत परसुएट करने का कोशिश किया. बट आई सेड कि मेरा घर में कोई एल्डर नहीं है, हम नहीं बात कर सकते. सो आई फील कि अभी तक जितना भी चीज़ होते आ रहा है, इट इज़ ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर. एंड आई एम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, हम कभी नहीं चाहता था कि हमको ये स्टेप लेना पड़े. आई नेवर वॉन्टेड टू डू दिस, बट अभी बात मेरा ऊपर आ गया, मेरा ऑनर का ऊपर आ गया, मेरा प्राइड का ऊपर आ गया. आई कैन नॉट टेक दिस लाइटली एनीमोर. सो आई एम टेकिंग द मैटर्स लीगली. आई हैव माई लीगल एडवाइजर्स विथ मी एंड टूडे in front of media fraternity and also the viewers, I'm sending a legal notice to them, and I will only meet them or talk to them in presence of 3rd party witness, parents and my legal advisor, and with the cameras on, and they are also free to refute. Abhi hum jaise bola hai ki ye abhi sirf paisa ka baat nahi hai, lekin ye escalate hoke abhi अलग अलग चीज़ में बदल रहे. इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ मनी एनी मोर, इट इज़ अ प्राइड, इट इज़ द मैटर ऑफ माई ऑनर. एंड आई एम ओनली टेकिंग दिस स्टेप टू सेफ गार्ड माई ऑनर.
और हम नहीं चाहता है कि ये सेम चीज़ आगे जाके दादू लुनिया या फिर आगे कोई भी जो अरुणाचल को फेमिना मिस इंडिया या फिर कोई भी नेशनल पेजेंट में वो लोग रिप्रेजेंट करें अरुणाचल को, हम नहीं चाहते कि उन लोग को भी ये सेम चीज़ से गुजरना पड़े जो हम आज गुजर रहे हैं. ये जो मेंटल टॉर्चर, मेंटल हेरासमेंट, ये सब जो हो रहा है, आई डोंट वांट कि ये किसी का साथ में हो. एंड दिस इज़ फॉर मी कि एज अ फॉर्मर मिस अरुणाचल अभी मेरा साथ में ऐसा हो सकता है, तो आप सोचिए कितना लोग का साथ में अंदर ही अंदर और बहुत कुछ हो रहा है. हम आगे आके बोला है ये बात को, रखा है ये बात को, जितना हो सके मेरे साथ से किया है. बट आई नो कि ऐसा बहुत सारा पेजेंट कंटेस्टेंट्स है, लड़कियां हैं हु आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग, बट इट इज़ देयर विश कि अगर उनको आगे आना है कि नहीं आना है. बट आई एम हियर ओनली टू टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ एंड ऑल्सो फॉर ऑल द फ्यूचर मिस अरुणाचल हु आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया एट इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म. थैंक यू. लीगल नोटिस टू मेक पेमेंट फॉर द इंसेंटिव, बट उसका दौरान में ही द मेंटल हेरासमेंट एंड द मेंटल टर्मोइल इट हैज़ कॉस्ट मी. आई डोंट थिंक सो कि उसका भरपाई कभी हो पाएगा. उस दिन कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ था. एवरीवन केम टू माय रेसिडेंस. उसमें से हम दरवाज़ा खोल के देखा तो एवरीवन वाज देयर, बट आई ओनली एक्सेप्टेड टोको मिजू टू कम एंड एंटर माई रेजिडेंस, क्योंकि हम उसका साथ में सिर्फ कम्फर्टेबल था, बिकॉज हम लोग जब वेन आई वॉज ट्रेनिंग तो हम लोग साथ में काम करता था, इसलिए हम उसको अलाउ किया. और वो हमको बहुत परसुएट करने का कोशिश किए कि उनको अंदर आने दो, बात कर लो. बट सिंस आई हैड, मेरा घर में कोई नहीं था, आई वॉज अलोन, मेरा कोई फैमिली मेम्बर नहीं था, थर्ड पार्टी विटनेस भी नहीं था, दैट्स वाई आई सेड कि आई डोंट वॉन्ट टू टॉक, क्योंकि मेरा घर में अभी कोई भी नहीं है. नहीं सर, हमको कभी वो पहले हमको कभी कांटेक्ट नहीं किया इसका बारे में. और जब हम जैसे ही देखा है वो चीज़ को, तब हम उसको मैसेज तो किया था कि ऐसा ऐसा बात है बोल के, और हम लोग का बीच में कन्वर्सेशन हुआ है, तो हमको ये भी बताया कि मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा सिमिलैरिटी तो ज़रूर हो गया है. तो हम वो बोला था कि और ये फर्दर एस्केलेट इसलिए हुआ है क्योंकि मिस इंडिया वाला लोग जो ये चीज़ को भी पोस्ट किया है एंड मिस अरुणाचल भी इसको पोस्ट किया है. सो हम बोला था उनको भी उसका तरफ से भी क्लेरिफिकेशन देने से ठीक है.